डिपो दैट हैज बीन लोकेटेड इन द जबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. फिलहाल की स्थिति आप बता सकते हैं, आखिरकार ये डिरेलमेंट कैसे हुई गोविंद? एब्सोल्युटली द बिग एक्सीडेंट, इनफैक्ट हम कह सकते हैं बड़ा हादसा होते होते टल गया, क्योंकि जो जबलपुर के थाना शाहपुर के रेलवे भिनोटी स्टेशन का ये मामला है, जहां पर एलपीजी से भरी हुई मालगाड़ी के दो जो डिब्बे थे वो पटरी से उतरकर क्षतिग्रस्त हो गए। और शाहपुरा के भिनोटी स्थित भारत पेट्रोलियम डिपो का डिपो है, जहां दो ये जो पेट्रोलियम गैस को खाली करने के लिए रेल ट्रेन को लाया जा रहा था, उसी दौरान दो डिब्बे क्षतिग्रस्त होकर पलट गए। तो ये बड़ा हादसा कह सकते हैं होते होते टल गया। जी फिलहाल व्हाट वी आर गेटिंग टू नो गोविंद, एंड इफ यू कैन थ्रो मोर लाइट ऑन दैट, बिकॉज द रेलवे ऑफिशियल्स हु रीच्ड द स्पॉट लेट नाइट एंड सुपरवाइज ऑल्सो द रेस्टोरेशन वर्क, इफ यू कैन गिव अस मोर डिटेल्स, हैज द लाइन नाउ रिज्यूम्ड फॉर ट्रैफिक? गोविंद देखिए, अभी कुछ ही देर पहले की ये घटना है, रेलवे के जो अधिकारी हैं वो भी पूरे घटनाक्रम का जायजा ले रहे हैं, और वजह क्या है इस हादसे की, इसके पीछे जल्दबाजी होगी बता रहे, जब तक कि ऑफिशियली कुछ बयान सामने नहीं आता है, स्टेटमेंट सामने नहीं आता है। लेकिन गैस फैक्ट्री के अंदर रैक को खाली करने के दौरान ये जो मालगाड़ी है वो पलट, जिसके दो डिब्बे पलट गए मालगाड़ी के, जिसमें एलपीजी पेट्रोलियम गैस भरा हुआ था। तो अभी जांच का विषय है कि ये हादसा किस वजह से हुआ। Well, that's a major tragedy that has been averted of the two bogies of a goods train that was full of LPG that actually derailed in Jabalpur. We'll keep our viewers updated. Thank you very much, Govind, for this time.